हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर बलप्रीत कौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन डीप्स आईएमटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट रिप्रेजेंट्स ए सैक्रिफाइस, ए फोरगोइंग और ए रिलीज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, नॉट टू प्राइस। अब कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है? खर्चा है। इट इज एक्सपेंस इनकर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो एक प्रोड्यूसर का क्या है? कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए गिवन थिंग। कि अगर किसी चीज को बनाने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देर आर वेरियस बेसिस ऑन विच वी क्लासिफाई द कॉस्ट। फर्स्ट बेस इज एलिमेंट, एंड अंडर एलिमेंट वी क्लासिफाई द कॉस्ट इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट, सेकेंड इज लेबर कॉस्ट एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस। सो मटीरियल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग। अब देखो मटीरियल कॉस्ट में क्या आएगा कि जितना भी रॉ मटीरियल पे खर्चा हो रहा है, राइट, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी रॉ मटीरियल यूज हो रहा है वो खर्चा मटीरियल कॉस्ट होएगा। द नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें मटीरियल का कोई यूज नहीं है अगर लेबर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें फिर लेबर की सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो उनको हम वेजेस पे करेंगे, राइट, और उनको हम कमीशन पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो वो सारा खर्चा हमने किस हेड के अंडर डालना होता है? लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रेफर टू द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग, लाइक द रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सपेंसिस, डेप्रिसिएशन ऑफ द ओन्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। जो दूसरे खर्चे हैं उनको हमने किस हेड अंदर के डालना है? हमने एक्सपेंसिस के अंदर डालना है। द नेक्स्ट इज नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी कैन क्लासीफाई द कॉस्ट इन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। The direct cost means the cost which can be directly and easily traced or identified with the product, process or department. उसमें हमें पता चल जाता है कि कितना खर्चा किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आया, तो इसलिए हम उस खर्चे को हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं और हम उसको एलोकेट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट के लिए वो खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं कह सकते कि ये हमारा इतना खर्चा आया। अब कौन सा खर्चा? लाइक फैक्ट्री रेंट। अगर हम फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, राइट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे एक प्रोडक्ट के लिए हम कितना फैक्ट्री रेंट पे करें। तो इसको मतलब ट्रेस करना डिफिकल्ट है, तो इसको हम किस हेडिंग पे डालते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। फर्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली इन प्रपोर्शन टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल। जैसे आप अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करते हो तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी साथ में इंक्रीज होती है, कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतनी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा ही आएगी। मींस द कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड है, इट मींस सेम रहेगी, चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट के जीरो है। मींस अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, फैक्ट्री ऐसी ही पड़ी है, लेकिन जैसे फैक्ट्री का रेंट है वो तो पे करना पड़ेगा ही, राइट। तो उस केस में जो कॉस्ट मतलब जिसका आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है? कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरी करता है, ठीक। जो फिक्स्ड है वो तो आपका
लेवल ऑफ आउटपुट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, वो तो आना ही आना है। जो वेरिएबल पार्ट है दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, कितना मिनिमम बिल चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो तो आएगा। जो बाकी ऊपर वाला है वो आपका वेरी करता है कि कितनी आप यूसेज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका बिल है वो आएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलेबिलिटी। द फर्स्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोल मीन्स जिसको आप काबू कर सकते हो, इन सिंपल टर्म। कंट्रोलेबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन एंटिटी। जैसे अब इसमें क्या आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम अंडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी असाइन कर दिए, तो जो मतलब कॉस्ट उस डिपार्टमेंट की आ रही है तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता है, तो वो कंट्रोल करेगा कॉस्ट को कि उसके डिपार्टमेंट का खर्चा है। इन केस ऑफ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग, मतलब जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो उसको हम इस नाम से जानेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सिंपल अब और देख लो कि द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का डिफरेंस देखिए। द कंट्रोलेबल कॉस्ट इज ओनली इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि उसमें हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मतलब एक डिपार्टमेंट से देख रहे हैं। जो हमारा अनकंट्रोलेबल उसमें देखते हैं कि ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उसको हमें कंट्रोल करना डिफिकल्ट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व है, राइट। आप अकेले तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क इकट्ठे वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। द नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हमने आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल मीन्स जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। नॉर्मल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच आर नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब मतलब मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपकी आनी ही आनी है, राइट। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्पॉयलेज ऑफ मटीरियल, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, जो आपका नॉर्मल जितना हमने फ्री बैठना है उसको रेस्ट पीरियड है, ठीक है, वो तो उसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो वर्कर है वो रेस्ट नहीं करेगा तो आगे उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जो उसकी आउटपुट है वो डाउन जाएगी। उसको अगर 15 मिनट्स 30 मिनट्स की रेस्ट चाहिए तो वो उसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब नॉर्मल और अवॉइडेबल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट विच आर नॉर्मली विच आर नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड सच कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इफ प्रॉपर केयर इज टेकन। मीन्स कि अगर जो लेबर की लापरवाही से अगर कोई मटीरियल वेस्ट हो रहा है तो उसको हम कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कि अगर हम प्रॉपर केयर के साथ, ठीक है, अगर हम मशीन की प्रॉपर हैंडलिंग करें मटीरियल, ठीक है, उस केस में क्या होता है फिर हम अगर आप मशीन को प्रॉपर तरीके से अगर यूज करें तो उसमें खराब होने के चांसेस कम है। अगर आप लापरवाही के साथ मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो हर हालत में ख़राब होएगी। तो इट मीन्स कि अगर आप प्रॉपर केयर बरतेंगे तो जो हम कॉस्ट है उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी कैन डिवाइड द कॉस्ट इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। इट अराइजेज इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अब जो जितना मतलब प्रोडक्शन का आपका प्रोसेस है उसमें जितनी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है उसको हम इस हेड के अंडर डालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। मींस इट स्टार्ट्स विद द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल और एंड कब तक होगा जब तक आपका प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। द कॉस्ट which is incurred for formulating the business policies, directing the organization and controlling the operations of the undertaking. So these costs are basically deals with the business organization, means
with the formulating of the business policies, directing the organization and controlling the. अगर आपको कुछ जैसे अगर आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रखना पड़ता है तो जो पूरा जितना भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको पहले वो सुपरवाइज करे, तो जो उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट द डिमांड. अगर आपको जैसे अब लोगों को डिमांड लोगों से आनी है, ठीक है, तो कैसे डिमांड आएगी, तो आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी प्रमोशंस करनी पड़ती हैं, तो उसको हम किस में देखेंगे, सेलिंग कॉस्ट में, मींस विच आर इनकर टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट एंड टू सिक्योर द ऑर्डर्स. सो दीज कॉस्ट आर इनकर इन कनेक्शन विद द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. इसमें आपको अभी बताया था कि इसमें हमने मार्केटिंग करनी होती है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, कंज्यूमर को अवेयर करना है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, हम ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट को कहाँ तक, अपने जो फैक्ट्री आउटलेट से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द एंड कंज्यूमर, तो उसके लिए जितना भी खर्चा होएगा वो उसको हम कवर करेंगे अंडर द हेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम we can classify the cost into two parts. First one is historical cost and second is predetermined cost. Historical cost, agar hum word dekhe historical, it relates to the word history. History ke sath related word, theek hai. To history kya hoti hai, past, jo past hamara nikal chuka hai, theek hai. To historical cost refers to the cost असर्टेन आफ्टर दीज हैज बीन इंकर्ड. जो कॉस्ट आपके अंडरटेकिंग ने ऑलरेडी इंकर कर ली है, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो दीज कॉस्ट आर डिटरमिन्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड. द नेक्स्ट इज प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. प्री डिटरमिन्ड क्या, आप डिटरमिन कर रहे हो लेकिन कब कर रहे हो, कॉस्ट इंकर होने से पहले आप उसको डिटरमिन कर लेते हो. So the predetermined cost refers to the costs which are computed in advance of production on the basis of specification of all the factors affecting them. कि हमने देखना कौन कौन से factors हमारी cost को influence कर रहे हैं, हमने उनके basis पे हमने अपनी cost को पहले ही determine कर लेना कि इतना खर्चा आएगा किसी product को manufacture करने के लिए, right? So the next is on the basis of relevance to decision making and control. हमने कॉस्ट को आगे फर्दर डिवाइड करना है. फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मीन्स द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच द एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज. इफ द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वन यूनिट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, पहले मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का मेरा जो टोटल खर्चा आया दैट इज 10 रुपीज. फिर मैंने दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, जो मेरी टोटल मतलब दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आया, सपोज मैं कह रही हूँ अब मेरा खर्चा आया 18 रुपीज. या एक को बनाने का खर्चा मेरा कितना आया था 10 रुपीज, दो को बनाने का खर्चा मेरा आया है 18 रुपीज. तो उस केस में मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैंने सेकेंड प्रोडक्ट बनाया तो मेरी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है पहले के कंपैरेटिव, 18 माइनस 10, 8 रुपीज का चेंज आया. इट मीन्स 8 रुपीज जब मैंने एक एडिशनल प्रोडक्ट, जब मैंने सेकंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो मेरा जो खर्चा है वो 8 रुपीज के साथ इंक्रीज हुआ. तो 8 रुपीज क्या है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. नेक्स्ट है संक कॉस्ट. संक कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड. तो ऑलरेडी आपने खर्च कर चुके हो एंड विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी डिसीजन इन द फ्यूचर. जो आपने एक बार खर्च कर दिया आप उसको फ्यूचर में ऑल्टर नहीं कर सकते. हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम डिसीजन चेंज कर देते हैं और वो जो हमने पैसा खर्च किया वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि हमने वो कॉस्ट ऑलरेडी बियर कर चुके हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. These refers to the cost which signify the present or future cash expenditure regarding a certain decision. A present or future cash expenditure है, इसके regarding
या हमने कोई डिसीजन लेना उसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि एक फर्म है राइट, तो वो अपने उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, वो अपने खुद के व्हीकल यूज कर रही है। बड़ा सुन लो कि एक फर्म है, वो अपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने खुद के व्हीकल यूज कर रही है। वो फर्म सोच रही है कि मैं अपने खुद के व्हीकल्स ना यूज करूं, मैं इनको रिप्लेस कर दूं विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक कैरियर्स, कि मैं बाहर से हायर कर लूँ पब्लिक कैरियर्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मैं बाहर की ले लूँ, अपने वाले ना यूज करूँ। तो उस केस में वो कह रही थी, मैं डिसीजन लेना है तो उनको कुछ फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे, क्या कि कौन कौन सा खर्चा इंक्रीज होएगा, मतलब डेप्रिसिएशन। अब उनके खुद के मतलब जो व्हीकल है वो यूज नहीं होने, तो उनको डेप्रिसिएशन का खर्चा अब नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब वो बाहर से फैसिलिटी अवेल करेंगे तो उनको जो फ्यूल का खर्चा वो भी पड़ेगा, उनको ड्राइवर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये सारा कुछ उनको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक। तो दीज कॉस्ट आर ट्रीटेड एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू which could have been earned by employing the resources in some other alternative uses. अब कैसे देखो कि एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने फील्ड में अपने फार्म हाउस में अब उसने सपोज करो कि ऑरेंजेस लगाए, ठीक है, ऑरेंजेस लगाए हैं उसने, वो सोचता है कि अगर मैं ऑरेंजेस ना लगाता इसकी जगह पे मैं एप्पल लगाता, ठीक है, जो उसकी रेवेन्यू में चेंज आना था। अगर वो ऑरेंज की जगह पे एप्पल लगाता, ठीक, तो जो एप्पल को सेल करने से उसको जो इनकम जनरेट होनी थी, ठीक है, वो अब उसने अब ऑरेंज लगाया है तो ऑरेंज की कॉस्ट है। दिस इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स बारह रिपीट कर रही हूँ कि उसके पास दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे, एप्पल और ऑरेंज। उसने ऑरेंज लगाए हैं फार्मर ने, क्लियर। तो अब उसने एप्पल को नहीं लगाया, वो कहता है कि अगर मैं एप्पल लगाता तो एप्पल को सेल करता, तो एप्पल को सेल करके उसकी रेवेन्यू आनी थी, वो उसको वो क्या कर रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। ऐसे उनको मैनेज करते हैं, इसको आगे दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल। द नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बट आर कंसिडर्ड फॉर मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। कैसे, सपोज मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं बिजनेस रन कर रही हूँ मीन्स जो मेरा ऑफिस है वो मैंने रेंट पे नहीं लिया, वो मेरे खुद की बिल्डिंग है, उसके लिए फिर मैं रेंट थोड़ा ना पे करूंगी क्योंकि मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं रेंट नहीं पे करूंगी। लेकिन वो कह रहे हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट में, अगर सपोज करो कि वो ही बिल्डिंग मैं रेंट पे लेती तो मेरे को रेंट देना पड़ना था, तो वो जितना मैं रेंट नहीं पे कर रही तो वो क्या है, दैट इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ यूजिंग माई ओन बिल्डिंग। तो कह रहे हैं जब मैनेजमेंट, जब हमने मैनेजमेंट के डिसीजन लेने हैं, हमने लाइक किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करना है, तो हमने देखना है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, चाहे हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट है हम उसको भी कंसिडर करेंगे, कि हमने जब देखना है कितनी हमारी रिटर्न, कितना हमें कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो, उसके लिए हमें जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी हम जो प्रोडक्ट्स की वो प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है कि हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं, तो हम देख रहे हैं कि अगर दो ऑल्टरनेटिव, अगर हम इसमें से एक ऑल्टरनेटिव लगाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, राइट। कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव लगाने से जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है, आप देखो कि मैंने ये ऑप्शन अवेल करूँ या दूसरी ऑप्शन, अगर आपने एक ऑप्शन अवेल किया है उससे आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर आपकी जो ऑल्टरनेटिव आपने जो लगाया है, जो यूज किया है, उससे आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट मीन्स
which will still be incurred although a plant is shut down temporarily. अगर आपने टेम्परेली अगर बंद भी कर दिया, लाइक जैसे अब COVID-19 के टाइम के ड्यूरिंग, जैसे अब जो ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो रेंट अब तो बंद पड़ी थी उस टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, लेकिन उनको रेंट पे करना पड़ रहा था, सो दैट इज द शट डाउन कॉस्ट. क्योंकि उन्होंने टेम्परेली उसको क्लोज किया था लेकिन उनको रेंट देना पड़ रहा है. नेक्स्ट है पोस्टपोनेबल कॉस्ट. पोस्टपोन मीन्स which can be postponed or shifted to the future with little or no effect on the efficiency of current operations. जिनको आप postpone कर सकते हैं, जो आपके current operations हैं, उनकी effectiveness पे कोई effect नहीं आएगा इससे. The next is replacement cost. Replacement cost refers to the cost of replacement of an asset in the current market. और एट द करंट प्राइस. अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई मशीन है, आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो आप उसको रिप्लेस कब कर रहे हो? करंट प्राइस पे करोगे उसको आप रिप्लेस, तो जो आपकी करंट मार्केट है वहां पे जो करंट प्राइस चल रही है, आप उसको उस प्राइस पे रिप्लेस करोगे. तो जो भी आपका खर्चा आ रहा है, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट इज अबंडनमेंट कॉस्ट. इट रेफर्स टू द कंप्लीट रिटायरमेंट और विड्रॉल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम सर्विस. क्या आप उसको अब यूज नहीं कर रहे, आपने अपना एसेट उसको पूरा कंडम कर दिया. तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट इज अबंडेंट व्हेन इट इज नो लॉन्गर यूजेबल. क्या आप उसको इन फ्यूचर आप कभी भी यूज नहीं करोगे, आपने उसको खत्म कर दिया. सो द कॉस्ट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. तो जो कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एसेट क्या बन गया, अबंडेंट, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अबंडनमेंट कॉस्ट. Other types of cost. First one is research cost. Research means the cost of searching for the new or improved product. New application of materials, finding out the new or improved methods of production. क्या आपने कुछ नया find out करना, उसको बोलते हैं research cost. Next is development cost. The cost of the process which begins with the implementation of the decision to produce a new or improved product. और टू इम्प्लॉय ए न्यू और इम्प्रूव मेथड. क्या आपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आपका खर्चा आ रहा है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है, मीन्स कि आपने उसको स्टार्ट किया इम्प्लीमेंटेशन से और उसका एंड कब होएगा, इट एंड्स विद द कमेंसमेंट ऑफ द फॉर्मल प्रोडक्शन. क्या आपने अब रेगुलर फॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, जो उससे पहले आपने ट्रायल लगाया, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया डिसीजन को, ठीक है, और इम्प्रूव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, दैट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट. उसके बाद तो आपका रूटीन प्रोसेस उसी टेक्निक के साथ स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. प्री प्रोडक्शन मीन्स जो प्रोडक्शन, फॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले, जो आप ट्रायल प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कुछ मतलब आपने क्वालिटी चेक करनी है या कुछ आपने देखना है कि हमारी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है, जो न्यू मशीन है, ठीक है, लेबर उसको प्रैक्टिस कर रही है, दैट इज नोन एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन मीन्स द कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. क्या आप रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट को फाइनल स्टेज पे उसको फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट कॉस्ट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट. एंड इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड. This is all about the classification of cost.